हमारा मॉडल वन क्या था नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स एंड बाइनरी कोड्स बाइनरी कोड्स इस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स में बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा ठीक है चलिए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहाँ पे नंबर सिस्टम ओके सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ओके बहुत सारे नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे चलिए तो वी कैन से दैट इज नंबर सिस्टम्स तो एग्जैक्टली हमें कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़ने हैं एंड क्यों पढ़ने हैं ये आपको इस लेक्चर में क्लियर होगा सो so, बेसिकली अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एवरीथिंग बाइनरी के फॉर्म पे डिस्कस करना चाहते हैं तो अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो यहां सब कुछ बाइनरी के फॉर्म पे होगा बाइनरी के फॉर्म पे होगा ठीक है बाइनरी हम सभी को पता है बाइनरी का मतलब होता है यहां पे डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं आइदर जीरो और वन और कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो वन से ठीक है Now, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमन डेसिमल नंबर सिस्टम को प्रिफर करते हैं डेसिमल और यहां हमारा जो डिजिट होता है जीरो से लेके नाइन तक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो होता है अब हमें हर चीज हम ह्यूमन के लिए डिजाइन करते हैं यस बट उसे प्रोसेस कौन करेगा कंप्यूटर बट कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिजिट समझ सकता है दैट इज जीरो एंड वन और कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन ठीक है तो तो नाउ ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमारा ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड होगा मेनली ठीक है तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे अगर बेस्ड होगा तो सर हम यहां बाइनरी कोड्स की बात क्यों कर रहे हैं फिर तो सबसे पहले टॉपिक में आपको इलेबरेट करता हूं कि एग्जेक्टली exactly ये दोनों टॉपिक को हम एक साथ क्यों रखे हैं ठीक है नाउ तो अगर हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम जीरो एंड वन बट अगर हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो हम उन्हें सिर्फ कंबाइन करके ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं उन्हें अल्टर करके ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ग्रुप के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम बोलेंगे बाइनरी कोड्स तो जब भी हम जीरो एंड वन को ग्रुप के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो ठीक है क्योंकि बाइनरी में क्या होगा ओनली जीरो एंड वन एंड कोर्स का मतलब यू कैन से दैट इज ए वन ग्रुप उसे हम यहाँ क्या नाम दे देते हैं कोर्स तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम पे सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम है मैं इसका नाम रखता हूं डेसिमल क्योंकि वी आर मच कंफर्टेबल इन वी आर मच कंफर्टेबल इन डेसिमल नंबर सिस्टम ना सेकेंड अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम सेकेंड हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम अब हम क्या करते हैं अगर हम बात करते हैं डेसिमल पे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस बेस क्या होता है तो द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज टेन क्या होता है टेन होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है दैट इज टू बेस को आप रेडिक्स भी बोल सकते हैं बेस को हम और क्या बोल सकते हैं रेडिक्स ठीक है ना no. अब अगर हम बात करें यहाँ कौन कौन से डिजिट पॉसिबल है यहाँ कौन कौन से डिजिट पॉसिबल है इन डेसिमल नंबर सिस्टम सो इन डेसिमल नंबर सिस्टम अगर हम डिजिट की बात करें टोटल टेन डिजिट इज पॉसिबल दैट फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगी यहां कोई अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ नहीं होगा नाउ अब हम इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। हैं हैं, अब अगर हम हम बात करते करते जिसका है, है? इसका मतलब कौन-कौन से digit यूज करें? हमें आप तो so, सिर्फ हमें कितना digit यूज करना है? दो डिजिट यूज करना है तो वी कैन से दिस इज एंड वन क्लियर है अब अगर हम एक नया नंबर सिस्टम की बात कर देते हैं एक ठीक है जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया जिसका बेस हम एज्यूम कर लेते हैं थ्री बेस थ्री नंबर सिस्टम जनरली हम यूज नहीं करते हैं इसलिए नहीं पढ़ते हैं बट इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर सिस्टम एग्जैक्टली क्या है नाउ अगर हम बात करते हैं बेस थ्री नंबर सिस्टम सो हमारे पास थ्री डिजिट इज पॉसिबल तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं जीरो वन एंड टू वी विल कंसिडर क्लियर है सिमिलरली अगर हम एक और बात करते हैं बेस फोर नंबर सिस्टम ठीक है अगर हम बेस फोर कहीं कहीं पहले यूज किया जाता था बट आज हम जल्दी यूज नहीं करते हैं बेस फोर नंबर सिस्टम सो बेस नंबर सिस्टम पे यू कैन यूज जीरो थ्री नाउ नेक्स्ट हम आते हैं बेस फाइव बेस सिक्स बेस सेवन बेस एट ऐसा हो सकता है अब हम आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड जहां पे बेस आपका क्या होगा एट होगा ठीक है तो बेस एट में आप क्या लिख सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन टोटल एट डिजिट यू कैन यूज फ्रॉम जीरो तक नाउ सिमिलरली आप डेसिमल ऑलरेडी आपने ऊपर लिख लिया है डेसिमल का बेस टेन होगा जीरो से लेके नाइन तक आप यूज कर सकते हैं सिमिलरली और भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे बट नेक्स्ट मैं लिखता हूं हेक्सा डेसीमल हेक्सा डेसिमल हेक्साडेसिमल में नाम ही लिखा है दैट इज हेक्सा तो इसे हम बोलते हैं दैट इज सिस्टीन बेस सिस्टीन बेस सिस्टीन पे हमारे पास जो डिजिट होंगी दैट विल बी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये तो टेन हुआ अब आप यहाँ टेन यूज नहीं कर सकते थे न्यूमेरिकल तो जीरो से नाइन ही है अब हम क्या करें तो हम यहाँ अल्फाबेट यूज कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ तो कितना और यूज करना है सिक्स और यूज करना था तो हम नेक्स्ट को लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ लाइक दिस अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हम ए बी सी डी एफ हमने क्यों लिया कहां से आया कहा तो न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं था ना तो हमने अल्फाबेट यूज कर लिया क्लियर है अब आपके पास एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे हम यहाँ पे बेस थ्री क्यों जनली ये नहीं पढ़ते हैं बेस थ्री बेस फोर भी जनली यूज नहीं होता है इसलिए हम ये यूज नहीं करते हैं पढ़ते भी नहीं है क्लियर है हम जनली डेसिमल ह्यूमन के लिए यूज करते हैं बाइनरी इज द बेस नंबर सिस्टम का बेस है ऑप्टल हम क्यों पढ़ रहे हैं एंड हैग डेसिमल हम क्यों पढ़ रहे हैं बेस फोर भी आप टिक कर सकते हैं चलिए हम बेस फोर भी पढ़ लेते हैं ठीक है ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हम इसका क्या यूज है क्लियर तो जो मैंने आपको बेस फोर बेस एट एंड बेस सिस्टम बोला थिंग बट वन का इन तीनों को मैं बाइनरी कोर्ट्स का नाम देता हूं ठीक है so, मैं नाम दे देता हूं बाइनरी कोट्स बाइनरी कोट्स क्लियर मैंने इन दोनों को नाम दे दिया क्यों दिया जस्वीट क्लियर है यहां तक no. अब अगर सपोज मैं आपको एक कोई डेटा देता हूं फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको एक डेटा देते हैं सपोज सिक्स फिफ्टी टू इसका बेस एक्स है तो है? So, X X so, आप देखेंगे यहां सिक्स मैक्सिमम सो बेस यहां सिक्स नहीं हो सकता तो इट कैन बी बेस सेवन और बेस एट और बेस नाइन बेस सेवन पे सिक्स आएगा यस yes. बेस एट पे सिक्स आएगा यस बेस नाइन पे सिक्स आएगा यस नाइन के आगे मीन्स बेस सेवन से ज्यादा हो सकता है तो वाट कैन बी दिस x कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ भी हो सकता है क्लियर है तो जो भी बेस होता है किसी भी नंबर का हम यहां ऐसे लिखते हैं क्लियर दिस थिंग जनरली हम बेस टेन एंड बेस टू को नहीं लिखते हैं अगर हमारे पास कोई डेटा है फॉर एग्जाम्पल नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन हमने कुछ नहीं लिखा है That is ये क्या होगा अगर यहाँ x है तो यहाँ x इजिकल टू क्या होगा हम टेन लेते हैं अगर नहीं गिवन है तो दिख रहा है ना डेबल है। सिमिलरली अगर कभी मैं आपको 10101 ऐसा कुछ दे दू और यहां मैंने बेस नहीं दिया तो डे अंडर स्टूड या जीरो एन वन है तो यहां जो x होगा ये x इज टू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स इजल टू बाइनरी बेस टू एक्स इजल टू क्या हो जाएगा बाइनरी बेस टू है इतना तो कभी कभी हम डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम बेस नहीं देते हैं तो वो हमें वहां पे ट्रीट करना होगा बेस टेन एंड बेस टू ठीक है ना अब देखिए आपने बेस फोर तो जस्ट अभी पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कोई भी अगर नंबर देता हूं तो आपको उसे पहचानना आना चाहिए अगर मैं यहीं पे आपको नेक्स्ट कोई एक वैल्यू देता हूं सिक्स फाइव टू बी ऐसा कुछ एंड दिस इज बेस एक्स तो अगर हमने डिजिटल पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग इनमें से अगर कोई चूज करना है सो एक्स विल बी हियर सो एक्स क्या हो जाएगा दिस इज तो बेस क्या हो जाएगा बट बी का मतलब क्या होगा ए को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं ए इज टेन बी इज इलेवन सी इज ट्वेल्व डी इज थर्टीन ई इज फोर्टीन एंड एफ इज फिफ्टीन इसी भी नंबर सिस्टम में जीरो से स्टार्ट होता है अगर 16 बेस है तो लास्ट वैल्यू बी का मतलब क्या हो गया इलेवन सो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो इलेवन से ज्यादा हो सकती थी इलेवन इज पॉसिबल यस या तो बेस इलेवन हो सकता था या इलेवन से ज्यादा हो सकता था बट हम बेस इलेवन 13, फोर्टीन फिफ्टीन नहीं पढ़ते हैं इसलिए मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया बेस सिक्सटीन क्लियर है ये आंसर आपका ऐसा भी पॉसिबल था एक्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और इक्वल टू देखेंगे वन है वन का मतलब बेस टू होता है वन का मतलब जीरो वन तो यहां अगर आप बी की बात करें तो यहां इलेवन इंक्लूड होगा या नहीं होगा ये मेरा पहला क्वेश्चन है तो अगर आप इलेवन की बात करते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल बेस टेन बेस टेन की लास्ट डिजिट नाइन तक जाती है सो बेस इलेवन की लास्ट डिजिट कहां तक जाएगी टेन तक सो so, यहां B तक है है B तक गीवन है. इसका मतलब जीरो से लेके B तक B इज इलेवन B इज इलेवन टोटल क्वांटिटी इज क्वानिटी सो एक्स विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ट्वेल्व नॉट इलेवन एक्स विल बी ग्रेटर देन और x will be greater than or equal to 12। तो यहां कभी कभी ऐसी गलती हम कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये छोटे से पॉइंट पे हमें कंसंट्रेट करना है क्लियर है जैसे कि मैंने 9 लिखा था 0 से लेकर 9, टोटल 10 डिजिट इज पॉसिबल तो can कैन बी बेस कैन बी ग्रेटर देन equal इक्वल टू तो जो भी लार्ज डेटा है उसमें आप प्लस 1 करके लिखेंगे यहाँ पे ठीक है तो आप प्लस 1 करके लिखेंगे ठीक है तो अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं, और ये पूछूं कि उसका बेस क्या हो सकता है तो आप एक बाउंड्री निकाल सकते हैं उस बाउंड्री से ज्यादा पॉसिबल है उस बाउंड्री से कम पॉसिबल नहीं है क्लियर है इतना इतना क्लियर है सभी को नाउ no, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दिस थिंग क्लियर नाउ सो अब अगर मैं आपसे पूछू कि हम काउंटिंग कैसे करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम पे हम काउंटिंग कैसे करते हैं तो अगर मैं बोलता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम पे 10 काउंट कीजिए तो आप कैसे काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 डेसिमल नंबर सिस्टम पे अगर यही चीज मैं बोलूं बाइनरी पे काउंट कीजिए 10 सबसे पहले आप लिखेंगे 0 देन 1 देन यहां तो 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन है फिर आप क्या करते हैं एलएसबी सबसे लोअर बिट तो याद रखिए एल का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको एक डेटा लिखता हूं सपोज सिक्स फाइव टू लाइक दिस तो जो इस साइड होता है राइट मोस्ट ठीक है दिस इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट एल और जो आपका जो आपका लेफ्ट है दिस विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्लियर है तो वो आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू है एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सिक्स है पूरे सब्जेक्ट में हम बार बार एल और एम यूज करने वाले हैं, ठीक है थीके? तो ये आप क्लियर रखेंगे so, खत्म हो, तो हो गया तो हम यहाँ जीरो ले, ले लेंगे और इसके आगे वन लगा देंगे क्लियर है फिर आप इस जीरो को वन लिख सकते हैं दिस विल बी सेम दिस विल बी वन हम काउंट करना काउंट कर रहे अब ये तो आपका हो चुका है one, one. हम क्या करें तो so, यहां एक जीरो लगा देते यहां एक जीरो लगा देते यहां एक जीरो लगा देते तो so, हम क्या कर रहे हैं इसको देखिए थोड़ा सा और अच्छे से इलोबरेट करके मैं लिखता हूं आपको है ना थोड़ा हमें स्पेस चाहिए तो so, बाइनरी पे हम कैसे लिखेंगे तो बाइनरी पे जीरो नाउ अब हम क्या करेंगे यहां वन लगा देंगे सॉरी सेकेंड डेटा हमारे पास वन है यस दिस इज वन नेक्स्ट डेटा हमारे पास जीरो और वन डिजिट हो चुका है तो हम यहां जीरो लगाएंगे और दिस विल बी वन नेक्स्ट क्या काउंट होगा ये जीरो वन हो सकता है यस दिस इज वन वन अब ये ऑलरेडी दोनों वन वन है तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे यहां आप मान सकते हैं जीरो है। तो यहां हम वन लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो फिर हम क्या करेंगे ये दोनों जीरो 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 तो को वन कर सकते हैं यस yes. तो ये सेम हो जाएगा अब ये तो ऑलरेडी वन ले चुके हैं तो हम क्या करें इसको वन करके इसको जीरो कर दें तो ये जीरो करके हम इसको वन कर सकते हैं दिस इज सिक्स नेक्स्ट हम क्या कर सकते, है? इस जीरो को वन कर सकते हैं yes, वन वन है, तो आपके पास इस जीरो को हम वन कर सकते हैं वन जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा ये ऑलरेडी वन है आप इसको वन करके इसको जीरो कर सकते हैं वन जीरो वन जीरो ऐसे हमें काउंटिंग करते चलना है बट ऐसा हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें बचपन पे तो डेसिमल याद करा दिया जाता है बट बाइनरी को हम इतना याद नहीं रख सकते हैं तो हम इसे थोड़ा सा इजी फॉर्म पे आगे याद रखेंगे तो जस्ट मैंने आपको काउंटिंग करना सिखाया तो चलिए थोड़ी सी और काउंटिंग करते हैं अगर इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो देखते हैं चलिए अगर मुझे मुझे बेस फोर की काउंटिंग करनी है बेस फोर सो तो अगर हमें बेस फोर की काउंटिंग करनी है बेस फोर की काउंटिंग करनी है क्लियर है तो हम इसे कैसे काउंट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो टोटल चार डिजिट होंगे, जीरो रिपीट होगा दिस विल बी जीरो दिस विल बी वन नेक्स्ट तो आप इसे टेन लिख सकते हैं नेक्स्ट इलेवन नेक्स्ट ट्वेल्व नेक्स्ट थर्टीन फिर से ये खत्म हो गया फिर से रिपीट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा तो आप इसे जीरो करके इसे टू लिख सकते हैं ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट क्या हो जाएगा दिस इज थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री आप एप्टीट्यूड में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे पास सिर्फ थ्री डिजिट है जीरो वन एंड टू चलिए मैं फोर डिजिट ले लेता हूं जीरो वन टू थ्री तो हंड्रेड तक टोटल कितने काउंट होंगे हंड्रेड तक टोटल कितने काउंट होंगे क्लियर तो आप चाहें तो उसे इस डिजिटल के थ्रू कन्वर्जन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं है ना आगे हम कन्वर्जन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हमें एप्टीट्यूड में भी देखने को मिलते हैं तो जस्ट मैंने बताया काउंटिंग क्या होगी जीरो वन टू थ्री के बाद रिपीट हो जाएगा जैसे कि हम डेसिमल पे नाइन के बाद रिपीट करते हैं

थाउजेंड टेन थाउजेंड इलेवन इसके बाद आप देखेंगे 2011. 2011 के बाद 1100, 1101, 1110, 1111, ऐसा आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो ऐसे हमें लिखना होता है तो so, ये एक जस्ट काउंट है तो so, अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम का बेस पता है तो आप उसकी काउंटिंग इजीली कर सकते हैं ठीक है थेके? हम किसी भी डिजिट को देख के ये बता सकते हैं कि उसका मिनिमम बेस कितना हो सकता है ठीक है मैक्सिमम तो नहीं बता सकते बट मिनिमम बेस हम बता सकते हैं कितना हो सकता है जैसे कि आप देखेंगे अगर कोई डेटा 123 है तो इसमें भी, है, इसमें भी आ सकता है इसमें भी आ सकता है इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है बट मिनिमम तो हमें पता चल गया ना वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री में है का मतलब बेस फोर तो बेस फोर या बेस फोर से ज्यादा पॉसिबल है बेस बेस फोर से कम पॉसिबल नहीं क्लियर इतना नाउ तो आपको आई होप कि नंबर सिस्टम की थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली ठीक है हम इसे कैसे लिखते हैं अब आपको ये जानना है कि सर हम नंबर सिस्टम यही क्यों पढ़ते हैं तो आपको बाइनरी क्लियर है कंप्यूटर को हम जीरो या वन के फॉर्म पे एक्सप्लेन करते हैं कोई भी चीज डेसिमल हम ह्यूमन ऑलरेडी यूज करते हैं अब हमने ये बेस फोर बेस एट और बेस सिस्टम क्यों यूज किया क्यों यूज किया तो चलिए देखते हैं मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं ठीक है नाउ अगर हमारे पास एक नंबर है वन जीरो लाइक दिस वन जीरो वन वन जीरो वन हाउ मेनी डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है चलिए मैं दो डिजिट और ले लेता हूं जीरो एंड वन टोटल मैंने एट डिजिट लिया एट डिजिट लिया ठीक है नाउ तो यहां आप एक चीज और याद रखेंगे अगर हमने कोई नंबर लिखा है इसमें जो सिंगल डिजिट है इसको हम बोलते हैं बिट क्या बोलते हैं बिट ओके नाउ अगर हम बात करते हैं फोर बिट फोर बीट को हम बोलते हैं वन निबल एन आई बी बी एल ई बहुत बार आपको एग्जाम पे वर्ड सुनने को मिल सकता है ठीक है तो जस्ट याद रखेंगे फोर बीट को हम क्या बोलते हैं वन निबल एट बीट को हम क्या बोलते हैं एट बीट इज कॉल्ड एट बीट इज कॉल्ड वन बाइट वन बाइट एंड वन बाइट का मतलब हो गया टू निबल दिस इज नथिंग बट टू निबल क्लियर है नाउ अगर हम सिक्सटीन बीट लिखते हैं 16 बिट तो 16 बिट को हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ड वन वर्ड w o r d ये बहुत बार यूज किया जाएगा वन वर्ड का मतलब हो गया 2 बाइट एंड 2 बाइट का मतलब हो गया 4 नेबर ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस पार्ट क्लियर है तो फोर बीट को हम वन निबल बोलेंगे एट बीट को हम वन बाइट बोलेंगे आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे बीट को वन वर्ड बोलेंगे जनरली बीट को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर है एंड बाइट को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप अपने मोबाइल पे अगर इंटरनेट की स्पीड देखेंगे तो किसी मोबाइल पे आपको ऐसा लिखा होगा एस यार कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा पर ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से दिस इज किलो बिट पर सेकेंड किलो बाइट दिस इज बिट और यहां ये है आपका बाइट क्लियर like है तो बिट एंड बाइट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है क्लियर हम हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं जस्ट एवरीबडी सुड नोट डाउन दिस ना क्लियर है इतना नाउ चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं ना सो सो अगर हमें डेटा गिवन है मैं फिर से लिखता हूं देखिए ये हमें डेटा गिवन है क्लियर है मैं आपको बोलता हूं इसका ये एक बाइनरी है दिस इज बाइनरी Clear? मैं आपसे पूछता हूं इसके डेसिमल क्या होगा तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए यस yes. मैं बोलता हूँ, इसके बेस फोर क्या होगा सो हो, एग्जैक्टली so, exactly, अगर हम इसकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दें अगर हम इसकी ग्रुप बना दें So, अगर हम टू टू का ग्रुप बना दें दिस टू दिस टू दिस टू इतना तो सबको क्लियर है ग्रुप हम एल से बनाएंगे क्यों बनाएंगे अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे डॉट जीरो आप सभी को इतना तो पता है कि कुछ नहीं है मतलब डॉट क्या होगा डेसिमल के बाद कुछ नहीं डॉट जीरो और हमेशा हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं डेसिमल के बाद से क्लियर है इतना बट इतना तो कॉमन सेंस हम सभी को पता होता है यस yes. तो हमेशा ग्रुपिंग यहां से स्टार्ट करेंगे लाइक like दिस अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां वन नहीं होता ये जीरो वन होता तो सिर्फ वन होता सिंगल होता तो आगे हम एक जीरो लगा सकते थे आप यहां पे जीरो जितना भी चाहे लगा सकते हैं कोई इशू नहीं लगा सकते हैं यस वी कैन पुट सो अगर हम टू टू का ग्रुप करते हैं दिस इज इज वन काइंड ऑफ ग्रुपिंग इसे मैं बोलूंगा एक बाइनरी कोर्ट्स आपने बनाया बाइनरी को आपने ग्रुप के फॉर्म पे लिख दिया ठीक है सो so, को आप क्या लिख सकते हैं टू का ग्रुप करना मींस बेस फोर क्यों मैंने बेस फोर बोला बेस फोर में टोटल फोर डिजिट इज पॉसिबल जीरो जीरो होगा वन के करस्पॉन्डिंग बाइनरी होगा जीरो वन होगा टू के करस्पॉन्डिंग होगा दैट इज वन जीरो होगा एंड थ्री के जो करस्पॉन्डिंग होगा दैट इज वन वन होगा क्लियर है नाउ जीरो so, वन को आप क्या लिख सकते हैं वन जीरो वन को क्या लिख सकते हैं वन 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 को क्या लिख सकते हैं थ्री वन जीरो को क्या लिख सकते हैं टू एंड दिस जीरो जीरो को क्या लिख सकते हैं जीरो आगे आप जितना चाहे जीरो लगा सकते हैं दिस विल बी नथिंग बट जीरो टू थ्री वन वन एंड दिस विल बी बेस फोर दिस विल बी बेस फोर सो अगर हम बाइनरी में टू टू डिजिट की ग्रुपिंग करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा बेस फोर और आपको पता है बेस फोर नंबर सिस्टम पे फोर डिजिट इज पॉसिबल जीरो वन टू थ्री तो यहां आंसर आप देखेंगे जीरो वन टू थ्री चारों में से ही डिजिट प्रेजेंट होगी कोई एक्स्ट्रा डिजिट प्रेजेंट नहीं होगी क्लियर दिस थिंग सो जस्ट मैंने आपको बताया किसी भी बाइनरी क्वांटिटी को आप बेस फोर पे कैसे इजीली लिख सकते लि हैं आगे हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं ठीक है तो बेस फोर पे हम कैसे लिख सकते हैं तो ये बेस फोर क्यों आया तो अगर आप बात करें टू की ग्रुपिंग करेंगे तो बेस फोर बनेगा अब अगर मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं अगर आप थ्री की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बनेगा इसका काम हो चुका है अब मैं इसे रिमूव करता हूं ओके नाउ सो so, अगर हम थ्री की ग्रुपिंग करें सो so थ्री की ग्रुपिंग करेंगे तो जीरो 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 से लेके वन 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 तक टोटल हाउ मेनी डेटा इज पॉसिबल एट डेटा इज पॉसिबल एट डेटा इज पॉसिबल का मतलब वो क्या बन जाएगा बेस एट बन जाएगा सो so, अब आप इसे रिवर्स तरीके से समझिए अगर हमारे पास कोई बाइनरी डेटा है 10, 110, 101, जिसका बेस टू है और अगर आपको इसे बेस फोर निकालना है तो मेरा अभी क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क बेस फोर सेकेंड मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क बेस एट एंड थर्ड मुझे निकालना है दिस क्वेश्चन मार्क बेस सिस्टिन को कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं एच हेक्साडेसिमल तो कभी लिखा जाएगा कभी कैपिटल एच लिखा जाएगा तो आपको वरी करने की लिए नहीं है समझ जाएंगे ये क्या है क्लियर है ना इतना ना सो अगर हमें बेस फोर निकालना है तो देखेंगे अगर मैं बात करता हूं बेस फोर की बेस so, फोर में आप ग्रुपिंग करेंगे इसकी ग्रुपिंग करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू बाइनरी ग्रुपिंग ऑफ टू बाइनरी बिट क्लियर है अगर आपको बेस एट निकालना है बेस एट अगर आपको बेस एट निकालना है तो ग्रुपिंग ऑफ थ्री बाइनरी बिट क्लियर है थ्री का क्यों बेस एट बनेगा क्योंकि थ्री पे टोटल एट रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल सिमिलरली अगर मुझे बेस सिक्सटीन निकालना है तो ग्रुपिंग ऑफ फोर बाइनरी बिट अब समझ में आया अब बेस फोर बेस एट और बेस सिक्सटीन क्यों पढ़ते हैं अब बेस थ्री बेस फाइव बेस सिक्स बेस नाइन ये सब क्यों नहीं पढ़ते हैं रीजन आपको क्लियर हो चुका है अब टू की ग्रुपिंग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है आज थ्री की ग्रुपिंग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है आज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है दैट इज ए बेस सिस्टम तो अगर हम बाइनरी की आज जनरली ग्रुपिंग करते हैं वो हम किस में करते हैं बेस सिस्टम पे करते हैं मीन फोर फोर डिजिट की ग्रुपिंग करते हैं तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं आप चाहे तो लिख सकते हैं बेस सिस्टम इज यूज इन बेस सिस्टीन और यू कैन सेगजा डेसीमल हेग्जाडेसिमल इज यूज इन इज यूज इन माइक्रोप्रोसेसर इज यूज इन माइक्रोप्रोसेसर किसमें यूज करते हैं हम माइक्रोप्रोसेसर पे यूज करते हैं ठीक है तो चलिए हमारे पास ये डेटा था इस डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है बेस फोर बेस एट एंड बेस सिक्सटीन बेस फोर तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ठीक है ना सो so, एक बार चलिए हम एक टेबल भी बना लेते हैं कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट ठीक है हाउ यू कैन रिप्रेजेंट तो चलिए देखते हैं अगर हमारे पास डेसिमल अगर हमारे पास डेसिमल डिजिट है ठीक है और यू कैसे नॉट ओनली डेसिमल डिजिट अगर आपके पास डिजिट है लाइक like दिस हम इसे ऐसा लिखते हैं चलिए डिजिट है आपके पास क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ओके ये आपका हो चुका है ना तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव हम कहां तक ले लेते हैं इसे ए बी सी डी ई एफ तक ले लेते हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसके बाद हम ले लेते हैं इसे टेन को हम ए बी सी डी के फॉर्म पे चले लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ क्लियर है अगर आपको इस क्वांटिटी को बेस फोर पे लिखना है तो बेस फोर पे आप जीरो को क्या लिखेंगे जीरो जीरो वन को क्या लिखेंगे जीरो वन टू को क्या लिखेंगे सिमिलरली अब ये टू डिजिट से ज्यादा हो जाएगा तो मैं अभी चार ही लेता हूं क्योंकि क्यों जीरो से थ्री तक होता है अब अगर हम बात करते हैं बेस एट की तो बेस एट में क्या होगा जीरो को आप क्या लिखेंगे थ्री डिजिट में लिखेंगे जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन देन वन जीरो जीरो वन 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 जीरो तक ले रहे हैं आप सेवन तक क्योंकि आपको पता है बेस थ्री में टोटल कितने डिजिट होते हैं जीरो से लेके सेवन तक बेस फोर पे कहां तक होते हैं आपके लाइक like दिस क्लियर है सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेस सिस्टीन की दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस सिस्टीन तो बेस सिस्टम पे आप एवरी डेसिमल को उसके फोर बाइनरी से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो जैसे जीरो 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 वन जीरो वन जीरो 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 ट्रिपल वन तो देखिए यहां तक तो ये सेम है पूरा ये दोनों सेम है सिर्फ आगे जीरो है ये दोनों सेम है सिर्फ यहां जीरो यहां जीरो लग गया है अब अगर हम बात करते हैं बेस सॉरी अब अगर हम बात करते हैं एट नाइन एबीसीडीएफ की तो क्या हो जाएगा दिस डेटा विल बी जीरो 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 स्टिल नाइन अगर हम डेसिमल से इसको कंपेयर करते तो लाइक like दिस ऐसा कुछ होता डेसिमल डेसीमल जीरो से नाइन तक नेक्स्ट हम लेंगे वन जीरो वन जीरो आप चाहें तो ए को लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट टेन डेसिमल पे 11, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये बार बार हमें यूज करना होगा तो वन जीरो वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए क्लियर है Getting? तो जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे तो थ्री बिट की अगर ग्रुपिंग करते हैं तो इनको इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल से लिखेंगे और इनको करस्पॉन्डिंग से लिखेंगे अब लॉजिकली डेसिमल नहीं है अगर आप इसको इसके डेसिमल से लिखते हैं दिस इज एक्चुअल पे बेस फोर अगर हम इसे लिखते हैं दैट इज ऑक्टेल और इसको लिखते हैं दैट इज है So, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं अगर हमें डेटा गिवन था वन जीरो के लिए क्या करेंगे दिस टू 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 एंड टू ग्रुप व्हाट कैन बी आंसर दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज वन एंड दिस इज वन टू थ्री वन वन व्हाट कैन बी आंसर? टू थ्री वन वन बेस फोर क्लियर पहला आंसर नौ सेकेंड सेकेंड हम अगेन लेते हैं वन जीरो वन जीरो क्या करेंगे तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे हमेशा याद रखें एल एस बी से स्टार्ट करेंगे दिस थ्री दिस थ्री यहां नहीं है तो आप जीरो ऐड कर सकते हैं दिस थ्री व्हाट यू कैन राइट हियर हम क्या लिख सकते हैं दिस इज टू दिस वैल्यू विल बी टू दिस वैल्यू विल बी सिक्स एंड दिस वैल्यू विल बी फाइव कैन आई राइट टू सिक्स फाइव सो क्या हो जाएगा वट यू कैन राइट दिस 265 एंड दिस इज बेस एट बेस एट अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम बेस को इंक्रीज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर डेसिमल के फॉर्म पे आप रीड करें तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं अगर मेरे पास एक डेटा है टू थ्री वन वन जिसका बेस फोर है ठीक है अब अगर मैं बोलता हूँ सेम वैल्यू को आप बेस एट पे लिखेंगे तो अगर आप इसको डेसिमल में रीड करते हैं तो टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड इलेवन अगर आपने बेस बढ़ाया तो ये डेसिमल है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड इलेवन से कम होगा या ज्यादा होगा डेफिनेटली कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि बेस एट में ये टोटल नंबर आप काउंट है दिस इज टू थ्री वन वन इज द काउंट इज द काउंट बेस फोर में ठीक है 2311 काउंट नहीं है अभी ये इसके करस्पॉन्डिंग हम डेसिमल निकालेंगे उतने नंबर आप काउंट होगा तो अगर हम बेस को कम करेंगे काउंट तो उतना ही होगा बट उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा यस yes. और अगर हम बेस को ज्यादा करेंगे तो क्या होगा काउंट तो सेम रहेगा बट उसका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो यहां बेस 4 है अगर मैं बेस 8 में लिखता हूं तो ये जो दिख रहा है 2311 इससे डेफिनेटली लेस आंसर आएगा जो डेसिमल में आपको विजिबल हो रहा है तो आप देखेंगे कितना है 265 265 क्लियर है क्योंकि आपको पता है बेस एट में आप टेन कब पहुंचेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के बाद टेन पे आएंगे ठीक है और अगर बेस फोर पे आप टेन पे कब पहुंच जाएंगे जीरो वन टू थ्री टेन क्लियर है ना तो टेन का मतलब बेस फोर पे टोटल हाउ मेनी काउंट जीरो टेन का मतलब बेस में कितने काउंट है आपके जीरो सिक्स सेवन के बाद टेन दैट इज एट काउंट क्लियर है सो so, अगर आप टेन लिखते हैं बेस फोर पे टेन इन बेस फोर और अगर आप लिखते हैं टेंथ इन बेस एट इसका मतलब दोनों का डेसिमल सेम दिख रहा है तो काउंट दोनों का अलग होगा यस। yes. इसका काउंट कितना हो जाएगा? That is four, और इसका काउंट कितना हो जाएगा? क्लियर है ना? तो काउंट डिफरेंट हो गया अगर मैं बोलता हूं बेस फोर और बेस एट में काउंट सेम है तो कौन आपको बड़ा दिखेगा डेसिमल के पॉइंट पे ये बड़ा दिखेगा ये छोटा दिखेगा इतना आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये बेस फोर पे टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड इलेवन हमें दिख रहा है तो ज्यादा नहीं हो पाएगा ठीक है ना चलिए अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं इसी डेटा को अगर हमें बेस पे रिप्रेजेंट करना है तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ठीक है आपको टेबल क्लियर है ना तो बेस सिक्सटीन पे हम कैसे लिख सकते हैं तो बेस सिक्सटीन पे लिखने के लिए फोर फोर का ग्रुप कर लेते हैं तो चलिए अगर हम यहां फोर फोर का ग्रुप करते हैं तो मैं फिर से डेटा लिखता हूं हमारा डेटा क्या था वन जीरो so, हम यहाँ फोर की ग्रुपिंग करते हैं आप हमेशा एल एल से स्टार्ट करेंगे दिस फोर एंड दिस फोर अगर यहां डिजिट कम होती तो आप आगे एक्स्ट्रा जीरो लगा सकते थे ठीक है ना सो दिस जीरो बट फाइव वन जीरो मतलब नाइन से ज्यादा है मतलब एबीसीडीएफ e, में आएगा दिस इज एट टू एंड वन इलेवन ये आपका इलेवन है अभी शुरू पे आपको नहीं पता तो आप टेबल से कंपेरिजन कर सकते हैं एक दो क्लास के बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा ठीक है so, इसका मतलब क्या हो जाएगा बी इलेवन का मतलब बी वन जीरो जीरो वन मीन्स नाइन वन जीरो वन जीरो का मतलब ए वन जीरो मतलब बी ठीक है अभी नहीं पता तो आप टेबल से कंपेरिजन कर सकते हैं दिस इज बी तो क्या हो जाएगा दिस इज बी फाइव और यहाँ आप क्या लिखेंगे या तो आप बेस सिस्टीन लिखेंगे या फिर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं बी फाइव एंड दिसमल एच ठीक है आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं आगे दो जीरो भी लगा सकते हैं जीरो जीरो बी फाइव एंड दिस इज एक्सर h एच तो, माइक्रोप्रोसेसर पे जनरली हम सिस्टिन तो बीट अगर हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर है तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को टू की ग्रुपिंग करेंगे तो बेस फोर बन जाएगा थ्री की ग्रुपिंग करेंगे तो ऑक्टेल बन जाएगा एंड फोर की ग्रुपिंग करेंगे तो हेक्साडेसिमल बन जाएगा तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं ठीक है एक एग्जाम्पल और लेते हैं अब मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं ठीक है अब मैं आपसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं ठीक है अभी हमने बाइनरी से ये मैंने कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो हमारा कन्वर्जन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा मैं बेसिक तरीके में भी आऊंगा बट अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी बेस टू बेस फोर बेस एट और बेस सिक्सटीन को आपस में कन्वर्ट करना है तो हाउ वी कैन डू तो हमारा ये जो टॉपिक है एग्जेक्टली exactly, हमारा जो टॉपिक है दिस इज बेस टू बेस फोर बेस एट एंड लास्ट वन इज बेस सिस्टम क्लियर है ये चारों को आपस में एक दूसरे से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक है तो ये और जनरली क्वेश्चन हम इसी के बेस पे फ्रेम करते हैं ना सो so अभी आपने देखा बेस टू गिवन है बेस फोर पे कैसे करेंगे बेस एट पे कैसे करेंगे बेस पे कैसे करेंगे अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं ठीक है अगर मैं आपको यहां एक क्वेश्चन देता हूं टू सिक्सटी फाइव एंड जिसका बेस एट है क्लियर है जिसका बेस एट है और हमारा क्वेश्चन है आपको इसे बेस फोर पे कन्वर्ट करना है एंड आपको इसे बेस सिस्टीन पे कन्वर्ट करना है और आपको इसे बेस टू पे कन्वर्ट करना है हाउ वी कैन कन्वर्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो अगर आपको ये पता है इन चारों में से किसी भी बेस का क्वेश्चन है और आपस में कोई भी कन्वर्जन है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कैसे अगर बेस टू दिया जाता तो बेस फोर आपको पता है टू की ग्रुपिंग बेस सिस्टिन फोर की ग्रुपिंग बट यहां तो बेस एट दिया है तो यहां आपको वापस बाइनरी में सबसे पहले आना पड़ेगा सो so, सबसे पहले आपको यहां से तो क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको यहां से बेस टू निकालना पड़ेगा एंड बेस टू निकालने के बाद आप बेस फोर बेस एट बेस सिक्सटीन कोई भी इजली निकाल सकते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर बेस एट गिवन है तो वापस बेस टू में कैसे आएंगे इजिली वहां आपने ग्रुप बनाया था यहां ग्रुप को ओपन कर दीजिए So, हम क्या कर सकते हैं हमें गिवन है 265 सिक्सटी फाइव टू बेस एट तो टू सिक्सटी बेस एट को आप क्या लिख सकते हैं तो so, सबसे पहले 265 को आप लिख लीजिए बेस एट है बेस एट का मतलब थ्री की ग्रुपिंग है यहाँ पे तो so, आप वापस रीग्रुप कर दीजिए तो so, टू को आप क्या लिख सकते हैं जीरो वन जीरो सिक्स को आप क्या लिख सकते हैं वन वन जीरो एंड फाइव को आप क्या लिख सकते हैं वन जीरो वन एंड दिस इज नथिंग बट बेस टू तो आपको बेस टू आपस मिल चुका है सो so, सबसे पहले आप बाइनरी पे आएंगे याद रखिए बेस फोर से बेस एट बनाना है या बेस फोर से बेस सिक्सटीन बनाना है तो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते आपको बाइनरी पे आना पड़ेगा बेस टू पे आना पड़ेगा बेस टू से आप डायरेक्टली किसी में भी जा सकते हैं अब आपको बेस टू मिल चुका है हमें क्या निकालना है बेस फोर निकालना है तो अगर हम यहाँ टू टू की ग्रुपिंग करें तो क्या मिल जाएगा आपको बेस फोर मिल जाएगा तो व्हाट वट विस फोर बेस फोर हमारा क्या हो जाएगा दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज वन एंड दिस इज वन विले बेस फोर मिल चुका है तो देखिए बेस एट गिवन था आपने पहले बेस एट से बेस टू निकाला बेस टू में टू की ग्रुपिंग से आपने बेस फोर निकाल लिया सिमिलरली आप यहां से बेस सिक्सटीन भी निकाल सकते हैं जीरो वन जीरो निकालना है तो हम फोर फोर की ग्रुपिंग कर सकते हैं आगे एक जीरो आप उसे छोड़ सकते हैं कोई शू नहीं है सो वन जीरो सेम डेटा मैंने लिया है तो दिस इज नथिंग बट बी एंड दिस इज नथिंग बट फाइव सो दिस इज बी फाइव एंड दिस इज बेस सिक्सटीन और यू कैन ऑल्सो से दिस इज बी फाइव दिस इज हेक्सा डेम क्लियर है आप चाहे तो जीरो जीरो बी फाइव हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हैं क्लियर है तो हमने अभी देखा कि बेस एट अगर गिवन है तो बेस एट से आप वापस कैसे आ सकते थे ठीक है तो अगर आपको कभी भी इनमें आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन पूछा जाए तो सबसे पहले आप बेस टू पे आएंगे एंड बेस टू से आप किसी पे भी इजिली जा सकते हैं ठीक है अगर आपको इन तीनों में से कोई दिया जाता है और आपस में एक दूसरे पे कन्वर्जन पूछा जाता है तो पहले आप बेस्ट पे आएंगे देन ग्री करेंगे एंड फिर से ग्रुप करेंगे ठीक है एक क्वेश्चन चलिए मैं और लेता हूं ठीक है ओके रिवर्स क्वेश्चन एक रिवर्स क्वेश्चन और लेते हैं ओके एक और रिवर्स क्वेश्चन लेते हैं चलिए सो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेटा दिया जाता है सपोज ए बी सी डी एबीसीडी आपको पता है ये किसमें है बेस सिस्टीन और यू कैन से पे है तो सबसे पहले आपको एबीसीडी एफ की मीनिंग दिमाग में फिट हो जानी चाहिए तो अभी आप याद रखेंगे ए का मतलब होता है वन जीरो बी का मतलब होता है वन जीरो वन वन सी का मतलब होता है वन वन जीरो जीरो डी का मतलब होता है वन वन जीरो वन ई का मतलब होता है वन 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 जीरो एंड एफ का मतलब होता है ये आपको याद हो जाना चाहिए एक दो क्लास के बाद आपको याद हो जाएगा डोंट वरी ठीक है ना अब हमारा क्वेश्चन था ए बी सी डी तो आप सबसे पहले इससे बाइनरी निकाल लीजिए कैसे निकाल सकते हैं तो डी को आप क्या लिख सकते हैं जीरो वन लिख सकते हैं यस सी को आप क्या लिख सकते हैं वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो क्लियर है तो दिस वाश डी दिस वॉश सी ये आपका डी था ये आपका सी है ना वो बी

और ज्यादातर हम यही सब यूज करते हैं ठीक है इफ यू आर स्मार्ट अभी हम कन्वर्जन भी देखेंगे डोंट वरी जो आप डिवाइड के मेथड से पढ़ते हैं ठीक है नाउ तो बट वो कन्वर्जन आप जल्दी सभी मुझे लगता है फर्स्ट सेमेस्टर के बीटेक में पढ़ लेते हैं मोस्टली बच्चे कुछ फिजिक्स में पढ़ लेते हैं और शायद कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ बच्चे ये पढ़ लेते हैं ठीक है बट मोस्ट ऑफ द बच्चे मुझे लगता है फिजिक्स सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर पे होता है उसमें हम ये कन्वर्जन पढ़ लेते हैं और ये कन्वर्जन आपको तो इलेवन ट्वेल्थ क्लास में ही मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होते हैं ठीक है बट हमने थोड़ा सा तरीका यहाँ पे थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला तरीका भी यूज किया है ठीक है सो को आपने कन्वर्ट कर दिया वन जीरो जीरो एंड वन वन जीरो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो हमारा जो क्वेश्चन था यहां पे दिस इज क्वेश्चन मार्क बेस टू क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस फोर और बेस एट में क्या होगा तो आप लिख सकते हैं आप डिजिट काउंट कर सकते हैं यहां टोटल सिक्सटीन होगा या एट होगा वन टू थ्री फोर 8. फिर से आप चेक कर लीजिए लीजिएट चाहिए तो बेस एट चाहिए तो आप यहां से थ्री का ग्रुपिंग कर सकते थे yes. so, 101 5. 101, ये तीनों हमने ले लिया नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये आपने ले लिया नेक्स्ट जीरो 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 हम बात करते हैं दिस ट्रिपल वन ट्रिपल वन मीन दिस इज नथिंग बट दिस इज नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दिस वन जीरो वन वन जीरो वन इज अगेन फाइव अगेन फाइव नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीरो वन जीरो जीरो टोटल इज सिक्सटीन डिजिट तो दिस इज़ दो जीरो लगा सकते हैं so, तो मतलब जीरो so, आपको पता है बेस एट में जीरो से लेके सेवन तक ही डेटा हो सकता है चेक कर लीजिए जीरो सेवन तक ही है यस बेस फोर पे जीरो वन टू थ्री चार ही डिजिट पॉसिबल है यस बेस टू पे सिर्फ जीरो वन पॉसिबल है यस yes. क्लियर तो हमने जस्ट एक डेटा लिया ए बी सी डी इन बेस सिक्सटीन और हेक्साडेसिमल आपने उसे बेस टू पे भी निकाल लिया बेस फोर पे भी निकाल लिया और बेस एट पे भी निकाल लिया क्लियर है यहां तक सो so, यहां अभी हमने देखा इस क्लास पे कि हम कौन कौन से नंबर सिस्टम एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं बेस थ्री बेस फाइव बेस सेवन हम क्यों नहीं पढ़ते हैं उनकी क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है बेस एट बेस सिस्टम क्यों पढ़ते हैं क्योंकि हम एक्चुअल में ग्रुप कर रहे हैं किसको बाइनरी को अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल आई एम द माइक्रो प्रोसेसर मैं एक माइक्रो प्रोसेसर ठीक है आपको मुझे डेटा देना था तो एक बच्चा मुझे ये डेटा देता है और एक बच्चा मुझे डी एच के फॉर्म पे देता है तो कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे डी एच दे रहे हैं आपको मुझे समझाने में कम मेहनत लग रही है जस्ट यू आर सिंग एबीसीडी इन हेक्साडेसिमल और वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट मुझे बोल रहा सर वन जीरो जीरो वन तो यहाँ पे उसे मुझे समझाने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर रही है रिप्रेजेंट करने में एक्जैक्टली यू कैन से सो बेस टू मीन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूजफुल टू एक्सप्लेन ओके एक्सप्लेन एनी वन एनी वन का मतलब यहां कौन है माइक्रोप्रोसेसर तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो हम बाइनरी पे ना देके हम किस में देंगे हेक्साडेसिमल में तो वो क्या होगा जब हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे हम कोडिंग लिखेंगे ठीक है आप आगे के सेमेस्टर पे आपका माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट होगा आप वहां पे देखेंगे कि हम बाइनरी को हेक्सा के फॉर्म पे लिखते हैं और फिर हम माइक्रो प्रोसेसर को समझाते हैं असेंबली लैंग्वेज पे तो जितनी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है हम हमेशा क्या यूज करते हैं हेक्सा डेसिमन क्लियर है तो आपको बाइनरी से हेग्जा हेग्जा से बाइनरी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा बीच में मैंने दो नंबर सिस्टम और लगा दिए बेस फोर और बेस एट ठीक है तो आपको इन चारों नंबर सिस्टम पे आपस में कन्वर्जन विदाउट एनी मैथमेटिकल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्टली करना आना चाहिए क्लियर है सो so, आप ऑक्टेल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी कोड्स भी बोल सकते हैं तो दिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ बाइनरी कोड्स क्लियर है तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो हमें ये चारों का आपस में कन्वर्जन क्लियर हो चुका है ठीक है तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करेंगे अब हम यहां पे बात करेंगे ह्यूमन इंसान हमें तो डेसिमल नंबर सिस्टम पता है सो so, अब अगर मैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दूं डेसिमल, तो डेसिमल से इन किसी पे भी कन्वर्जन और इन किसी से भी डेसिमल पे कन्वर्जन आपको आना चाहिए तो प्रैक्टिकली हमें क्या पढ़ना है डेसिमल डेसिमल। टू टू बेस या binary two, क्योंकि इनमें से किसी में भी दिया जाएगा तो आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेस टू पे क्लियर तो अब हमारा जो प्राइम टारगेट होगा डेसिमल टू बाइनरी

तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे आप देख सकते हैं <coughs> मैंने इंटीजर्स लिए मैंने इंटीजर्स लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहता हूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं वन जीरो वन जीरो लाइक दिस एंड दिस इज वन एंड आपको पता है दिस इज बेस्ट क्लियर मुझे इसे बेस एट और बेस सिस्टिन पे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे बेस चलिए बेस फोर लेते हैं बेस एट लेते हैं और बेस सिस्टीन तीनों में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये डेसिमल डेसिमल पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है decimal से आप हमेशा इधर काउंट करेंगे और डेसिमल से हमेशा इन दिस वे तो जब भी हम ग्रुप बनाएंगे तो अगर आप बेस फोर लिखना चाहते हैं तो ग्रुप आपका क्या हो जाएगा दिस वन वन इज थ्री वन जीरो इज टू One, zero is two. This is dot. अब आप ग्रुप इस इस करेंगे। इतना तो आप सभी को पता है। तो आप सभी को यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा जीरो कितने भी चाहे ऐड कर सकता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे ही हम यहाँ कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तो हम सभी को पता होता है तो यहाँ जो ग्रुपिंग होगा दिस वन जीरो इज टू

अगर यहां वन है तो इनडायरेक्टली यहां पे जीरो होगा इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा टू सिंगल डिजिट आप बोलेंगे सर अगर ये नहीं है नो सो सिंगल डिजिट तो बेस फोर पे होता ही नहीं ना तो आपको यहां एक जीरो एच करना होगा एंड दिस वन जीरो बट टू क्लियर है तो यहां यह गलती नहीं करेंगे कि ये वन लिख के आप इसे क्या लिख देंगे वन नो no, गलत हो जाएगा वन रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करते हैं बेस फोर पे तो बेस फोर पे इस जीरो सिंगल जीरो कभी नहीं होता दिस जीरो जीरो का मतलब जीरो जीरो वन का मतलब वन वन जीरो का मतलब टू एंड वन वन का मतलब थ्री हमेशा कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगी कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगी दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर तो दिस इज बेस फोर अगर यही चीज हम बेस एट में लिखना चाहें बेस एट में क्या होगा थ्री ग्रुप दिस थ्री ग्रुप आगे सभी जीरो है दिस थ्री ग्रुप और आगे आप क्या लगा सकते हैं जीरो दिस थ्री ग्रुप राइट एट में आप क्या लिख सकते हैं डॉट फिफ्टी थ्री डॉट वन जीरो जीरो वन जीरो नाउ बेस सिस्टीन दिस इज बेस फोर बेस एट एंड बेस सिस्टीन तो डेसिमल वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए अगर हम इसे बात करते हैं बेस सिस्टम की तो दिस एंड दिस इज फोर एंड सिमिलरली हिस्स दिस इज फोर एंड आगे हम क्या लगा सकते हैं टू जीरो दिस इज फोर लिख सकते हैं ऐसा यस yes. लिख सकते हैं चलिए तो क्या हो जाएगा This 1011, 1011, again, आप अभी याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट बी बार बार हम बी ही यूज कर रहे हैं अभी दिस इज नथिंग बट बी डॉट दिस इज जीरो अगेन आपका क्या हो जाएगा ए टू बी डॉट ए और लास्ट वन इज वन जीरो 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 एट दिस इज नथिंग बट हेक्साडेसिमल आप आप बोलिए या एच बोलिए है, तो डेसिमल वाली वैल्यूज भी हमें लिखना आना चाहिए तो कोई इशू नहीं है वहाँ भी हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो हम के जो उससे इस डायरेक्शन पे ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं क्लियर अब अगर मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन दो अगर मैं आपको ये वैल्यू देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं वापस आप इसके लिखे लिख सकते हैं। बेस एट के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं base के corresponding हम binary लिख सकते हैं। clear? तो now I hope कि हो हो या decimal हो, base 2, base 4, base 8, base को आपस में हम इजीली एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं क्लियर तो चलिए फिर सेकेंड सेशन पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल और यहां मैं आपको बताऊंगा एनी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू एनी कभी बेस फाइव बेस थ्री ऐसा अगर पूछ लिया जाता है तो भी हम उसे कैसे प्रोसीड करेंगे तो चलिए फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय